सीडीओ संजय कुमार मीणा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। समाधान दिवस पर पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की एक एक कर सुनी गई फरियाद, राजस्व और पुलिस टीम गठित कर त्वरित निस्तारण के दिए गए निर्देश। कैंट पुलिस ने टप्पेबाजों के शातिर गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने सरगना करण डोम समेत चार बदमाशों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल दो ऑटो रिक्शा और बाइक को भी पुलिस ने किया जब्त। बदमाशों के पास से सोने के जेवर, नकदी, आधार कार्ड की गई बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 629 करोड़ की 195 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हर घर नल योजना से लोगों के घरों तक पहुंच रहा शुद्ध जल। जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को दी शुभकामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीणा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों द्वारा समाधान दिवस पर पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की एक एक कर फरियाद सुनी गई। ज्यादातर मामले राजस्व से जुड़े आए, जिसमें राजस्व टीम सहित स्थानीय थाने की पुलिस टीम गठित कर मामले की त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। तहसील समाधान दिवस पर स्वास्थ्य विभाग, जलकल विभाग, बिजली विभाग और नगर निगम सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, तहसील दिवस में मेनली जो मैटर्स आते हैं रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, जिसमें पैमाइश का मामला है, आपसी विवाद है सीमांकन को लेकर, जिसमें धारा 24 अगर आपसी सहमति से लोग मान जाते हैं तो ठीक है, अगर धारा 24 जो रेवेन्यू कोड है उसमें लोगों का आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो बैनामे से संबंधित मामले आते हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि नाली चक्रोड से रिलेटेड होती है, चक्रोड को कब्जा मुक्त कराते हुए उसको वहां पर पटवाया जाए ताकि लोगों का आवागमन में सुविधा हो, तो इसी प्रकार के मेन मामले आते हैं। इसके अलावा कुछ मामले आवास से संबंधित और नाली निर्माण से संबंधित, तो मेन मेजोरिटी यही मामले आए हैं। कैंट पुलिस ने टप्पेबाजों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना करण डोम समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से सोने के जेवर, नकदी, आधार कार्ड की बरामदगी की गई है, जबकि वारदात में इस्तेमाल दो ऑटो रिक्शा और बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। दिलचस्प है कि नोटों की गड्डी का लालच देकर शातिर टप्पेबाज ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। SPCT ने प्रेस वार्ता के दौरान टप्पेबाजों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। SPCT ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार जालसाजों का गैंग ऑटो से प्रदेश के जिलों में घूम घूम कर टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया करता था। खास तौर पर ऑटो में बैठी महिलाएं यात्रियों को अपना निशाना बनाया करता था। SPCT का कहना है कि बंद रूमाल में नोटों की गड्डी होने का लालच दिखाकर महिलाओं को अपने झांसे में ले लेते थे। इस दौरान नोटों की गड्डी के बदले उनका जेवर लेकर बदमाश फरार हो जाते थे। SPCT ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी से कैंट और एम्स थाने क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी की दो वारदात का खुलासा हुआ है। टप्पेबाजी की सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खुलासा के दौरान CEO कैंट योगेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए
एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक टप्पेबाजों की एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इन लोगों ने 26 तारीख को थाना एम्स में और 31 तारीख रक्षाबंधन के दिन यहाँ थाना कैंट क्षेत्र में एक महिला को बहला फुसलाकर उसके गहने ले लिए थे। उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि एक व्यक्ति जो है उसका इस टाइप की नोट की गड्डी बताता था, जो कि नोट की गड्डी नहीं होती थी, और ये गिर जाती थी और व्यक्ति उठाता था। दूसरा व्यक्ति पूछने आता था कि मेरा पैसा कहीं गिर गया है, उसी पैसे को कि मेरा 32,000 या 28,000 रुपया जितना भी पैसा गिर गया है वो कहता कोई और ले गया है। वो व्यक्ति महिला के पास बैठा रहता है और फिर ये जो जिस तरीके से गांठ बंधा हुआ कागज है ये उस महिला को पैसे बता के उसको दे देता है और उसके गहने उतरवा के ये लोग फिर वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह की दो घटनाएं इन्होंने थाना एम्स और थाना कैंट में की थी। इनके पास से 100% रिकवरी उन दोनों इंसिडेंट की हुई है, जिसमें से 4 लॉकेट मंगलसूत्र के, एक सोने की चेन है और 2 जाली पीली धातु है और 1 बाली है वो भी मिली है। ये लोग का मोटस ऑपरेंडी ये होता है कि मूलतः ये राजघाट थाना गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देवरिया रुद्रपुर में निवास कर रहे हैं। वहां से एक ऑटो में बैठ के ये विभिन्न जनपदों में भ्रमण करते हैं, उसी तरीके से गोरखपुर भी आते हैं। पूर्व में इन लोगों ने आजमगढ़, मऊ, बनारस, रक्सौल और नेपाल तक उसी ऑटो में घूम घूम कर घटना करना कबूल किया है। उस ऑटो को ये प्रतिदिन किराए पे देते हैं और वो ऑटो दिन भर इनको घुमाता है, जहां भी इनको टारगेट मिलता है उसको करते हैं। इस तरीके से गोरखपुर शहर में उस ऑटो का आने के बाद में फिर ई रिक्शा में बैठते हैं और ई रिक्शा के बाद में इनका 4 लोगों का जो गैंग है वो फिर एक दूसरे के अच्छे तालमेल के संयोजन से फिर ये टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद में टारगेट से सोना ले लेते हैं। इनसे दोनों ऑटो रिक्शा जो ये प्रयोग लेते हैं लूट में, उनको भी बरामद किया गया और एक मोटरसाइकिल जो करण डोम की है। इस तरह टोटल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। करण डोम, जिसके ऊपर पूर्व में 12 मुकदमे हैं टप्पेबाजी वगैरह के, करण डोम के अलावा उसके साथी जिनका नाम रोहित उर्फ चकवा और सनी उर्फ पकवा, ये दोनों सगे भाई हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, और एक महावीर कुमार पटेल जिसका ऑटो है, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा और जरायम की दुनिया से जो भी कमाई गई धनराशि है उसको भी जब्त किया जाएगा। ये ऑटो से चलते चलते किसी महिला को देखते थे, जिस महिला ने सोने का कुछ जेवरात पहन रखे हैं उस, और थोड़ा बहुत उम्र दराज अगर दिखती थी जिसको बैला फसलाया जाना उनके हिसाब से इजी लगता था, उस महिला को फिर टारगेट करते थे और उसको बैठाते थे, उसके बाद में उसको बहलाते फुसलाते थे। ये लोग जेवरात बेचने का इनका एक नायाब तरीका था, जब किसी सोनार के पास जाते थे तो उसको बताते थे कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं हमारा काम दाग देना है, जो लोग लाश जो होती है उसको जलाने का काम हम पुस्तैनी रूप से करते आए हैं, उसी लाश में हिंदू संस्कृति के अंदर हिंदू धर्म में जब लोग लाश जलाते हैं कुछ ना कुछ सोने का ऐसा चीजें पीछे छोड़ देते हैं, और ये सोनार को बताते थे कि ये विभिन्न चीजें जो है पीछे छोड़ी गई चीजें हैं, उसी नाम पे सोनार को बेचते थे और उसी से फिर ये लोग है पैसा रिकवर करते थे। पत्नी का भी इसके योगदान था, इनकी पत्नी को भी मुलजिम बनाया गया है, जिसको रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी 413 और 411 को मुलजिम बना के जेल भेजा जाएगा, और इस पूरी गैंग का पर्दाफाश करने वाली टीम को एसएसपी महोदय की तरफ से 10,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 629 करोड़ की 195 विकास परियोजनाओं का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। गोरखपुर प्रदेश व देश तथा दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है, यह केवल योजना नहीं है। उन्होंने कहा, लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाना हमारे भारत संस्कृत में पुण्य का कार्य माना जाता है। पहले लोग जगह जगह प्याऊ लगाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के कारण हर घर नल की योजना के तहत अब लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है। आरओ से भी शुद्ध पानी, यह है हर घर नल योजना है, उसी योजना को शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर घर जल की योजना का अपना महत्व है। पहले बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहाँ 4,000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। अब वहाँ पर हर घर शुद्ध जल पहुँच रहा है। पहले वहाँ पर ट्रेन से पानी पहुँचाया जाता था, सभी माता व बहनों को 5-5 किलोमीटर तक अपने सर पर घड़ा रखकर पानी लाने के लिए मजबूर
होना पड़ता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी फैलती है उसके पीछे अशुद्ध जल है। अब हर घर नल योजना से इस बीमारी पर भी रोक लग सकती है। अब इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को हम लोग अंतिम चरण में लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है। इससे पहले यह बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को दी गई है। जन्माष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्री जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, आप सबका मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। मित्रों, 17 के पहले की स्थिति आपने देखा है। 17 के पहले कॉलेज स्कूल के सामने छेड़खानी होती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। सरे आप गुंडे उठा लिया जाते थे, रिपोर्ट दर्ज गुंडे उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। किसी जात की नियुक्ति नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, हाहाकार था भ्रष्टाचार का। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के आने के बाद घंटाई या मुसहर के बच्चे भी और थारू समाज के बच्चे जो शराब होता। धनंजय जी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, कृषि विभाग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके भारती श्री कपिल देव मौर्य जी के अपने कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए ऋतु देवी जी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कर कमलों से प्राप्त करते हुए लाभार्थी अपने आवास की चाबी को उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री कि आपने एक बार पुनः लोक कल्याणकारी योजना का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये केवल एक योजना नहीं है, ये केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हर घर नल की योजना और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उसी योजना के एक बड़े कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। मैंने वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी लाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। गर्मियों में वह भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो इसके लिए आवश्यक था कि उस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस से
इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस की जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा, यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं क्यों बदली है, भारत के बारे में जो धारणा क्यों बदली है, आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ पर यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था, और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्रपाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। ये लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग बहुत कर रहे हैं, लोग एक साथ मिलकर के करते हैं। गोरखपुर में सफाई हो, महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। रवि किशन की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों को लगता है कि अब गोरखपुर बदल गया है। जू भी आप देख रहे होंगे, समय निकला, परिवार के साथ निकल गए जू देखने के लिए, रामगढ़ ताल में बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। पहले गोरखपुर में केवल गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में, अब रामगढ़ ताल भी देर रात्रि तक। एक दिन मैंने रात्रि को 12 बजे फोन किया प्रशासन के लोगों को, मैंने कहा देखो रामगढ़ ताल की तरफ जा देख करके मुझे बताओ क्या स्थिति है वहां। रात 12 बजे 12 से 15,000 की भीड़ यहां घूम रही थी, तो मैंने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनमें सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए पुलिस की वहां पे उपस्थिति, पेट्रोलिंग और सुरक्षा का एहसास हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आज गोरखपुर में कितनी वायु सेवा है, 14 जगहों से गोरखपुर जुड़ा हुआ वायु सेवा से,
दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, मैंने कोई सोच रहा था गोरखपुर से वही सेवा, आज तो भाइयों बहनों वहां भी जुड़ चुका है फर्टिलाइजर। रात्रि को आप फर्टिलाइजर की लाइट थोड़ा देखिए, कभी क्या चमकता है, ऐसे लगता है जैसे मुंबई फेल हो जाएगी उसके साथ। बिहारी मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, जब उसमें स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। भाइयों बहनों, ये नई आभा विकास की है, बिना भेदभाव के शासन की योजना को उपलब्ध कराने का है। आज जो लोकार्पण हुआ है स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को 4 लेन का बनाने के बाद, पहले वहां पर इस सीजन में 3-3 फुट पानी लगा रहता था, आज जाइए आपको याद आएगी कि वहां पर यूरोप की कोई अच्छी सिटी की शहर है, शहर की कोई अच्छी अच्छा मार्ग है, कोई स्मार्ट मार्ग है, पूरा मार्ग एक कोने से जाके देखिए एक जैसी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक आपको 4 लेन की सड़क नजर आएगी। आप एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ आइए, 4 लेन की सड़क। एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली की तरफ जाइए, 4 लेन की सड़क। लखनऊ से सहजनवा होते हुए, गीड़ा होते हुए, नौसन होते हुए, सीपी होते हुए, पैंडेगंज होते हुए मेडिकल कॉलेज की तरफ आप चले जाइए, महाराजगंज की तरफ चले जाइए, 4 लेन की सड़क। हर ओर 4 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़क आपको दिखाई देती है। ये विकास की नई आभा है आपकी, और गोरखपुर विकास की इस गति को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं वेटरनरी कॉलेज बन रहा है, कहीं महात्मा बुद्ध के नाम पर भी एक नया विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ गोरखपुर के बॉर्डर पर ही होने जा रही है। ये विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ विकास, और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विकास की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले, इस योजना में आने वाले पैसे का सही सदुपयोग हो सके, विकास की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, इसी के लिए एक बार फिर से हम गोरखपुर में आए हैं। आपने देखा होगा बाढ़ से पहले लोग त्रस्त रहते थे, आज बरसात होती है लेकिन बाढ़ नहीं आती, बरसात होती है शहरों में 3-3 दिन तक जल जमाव नहीं होता, आए 1 घंटे के बाद पानी निकल गया। आदमी की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लगभग 200 फरियादियों की फरियाद सुना। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना शासन की पहली प्राथमिकता है, इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वयं फरियादियों के पास जाकर एक एक नागरिक की समस्या को सुना, जिसमें अधिकतर मामले जमीन कब्जे को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाए, किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाए। उन्होंने जनता दरबार में आए सभी फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या हो गया है? कहाँ का है मामला? बहराइच का मामला है। कहाँ यहाँ? गोरखपुर में शादी हुई थी, गोरखपुर में भी कार्रवाई कर दो समाप्त कर। अब रहा कार्रवाई करा कहाँ पे? पीपीगंज में। पीपीगंज में देखो जी क्यों नहीं इनके साथ न्याय हो पा रहा, तत्काल कार्रवाई करो। अब रहा मत चिंता मत करो। ये महाराजगंज का मामला है, तत्काल कार्रवाई करने के लिए बोलो। आप बताएं कहाँ से हैं, क्या हो गया? जौनपुर का नोट करोगे? आप बताएं
कहाँ पे क्या हो गया उसमें, कौन ले लिया, आप ही के परिवार के लोग हैं इसको देखोगे इनका जो मकान है, कार्रवाई वो क्या करते हैं देखो जी, जो पुलिस बार बार लगा देती है।